स्टार्टिंग में मुंबई मलाड को दिखाया जाता है, जो कि रात के वक्त कोई आदमी जमीन पर लेटा होता है। उसके बाद वह शख्स जमीन से उठता है और किसी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह गाड़ी वाला उसके सामने आकर उसे हटाता है। तभी अचानक एक और गाड़ी आती है और वह उस गाड़ी को भी रोकता है। तभी उस गाड़ी से एक और लड़की बाहर निकलती है और वह आदमी न जाने उस लड़की पर क्या जादू करता है कि वह लड़की उसके बस में हो जाती है। उसके बाद वह आदमी उस लड़की को वहीं दूसरी जगह पर जाकर छोड़ देता है। उसके बाद वह आदमी अपने घर चला जाता है और वह अपने वाइफ से मिलता है, जो कि वह अभी अभी जेल से आया हुआ था। और वह अपने वाइफ से किसी पार्सल के बारे में पूछता है कि वह पार्सल आया है या नहीं, जो कि वह बताती है कि तुम्हारा पार्सल तुम्हारे रूम में है, जाकर ले लो। उसके बाद वह अपने कमरे में जाता है और उस पार्सल को निकालता है। उस पार्सल को खोलता है तो उसमें कोई चमकीली हुई चीज बाहर निकलती है और वह मन में सोचता है भगवान ने भी क्या चीज बनाई है जिसे चाहो उसे सम्मोहित कर सकते हैं। अब मैं इस डिवाइस की मदद से सम्मोहित करने वाली शक्ति हासिल कर सकता हूँ और किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। तभी वह आदमी मनु बाहर आता है तो उसकी वाइफ उसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। तभी अचानक उसके घर में किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है, साथ ही रोशनी भी निकलती है। वहीं दूसरी तरफ वह गाड़ी वाली लड़की कार में बैठे बैठे मर चुकी होती है। ऐसे कैसे कोई मर सकता है, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। और उन्हें गाड़ी का एक्सीडेंट भी ऐसा कुछ भी वहाँ देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर उस गाड़ी पर कोई अजीब तरह से निशान होता है। और लारा सोच रही होती है कि कोई हंसते हंसते कैसे मर सकता है। तभी दिलियर किसी एक आदमी से पूछते हैं कि आपने इस कार को सबसे पहले कहाँ देखा, तो वह आदमी बताता है लेकिन हाँ साहब, मैंने एक बात नोटिस की थी कि रात के वक्त उसके घर में लाइट की रोशनी आ रही थी, बहुत तेज व्हाइट लाइट। उसके बाद किसी दूसरी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वह भी लड़की उसी लड़की की तरह मुस्कुराते मुस्कुराते लेटे पड़ी मरी होती है, जो कि उसके पास भी ठीक वैसे ही निशान होता है जो कि उस गाड़ी पर था, जो कि वह लड़की उसी बंगले में होती है। और सोचने वाली बात यह होती है कि कोई इतनी रोमांटिक तरीके से किसी का खून कैसे कर सकता है। उसके बाद दिलेर दोनों की बॉडी को फौरन से बंगले के पास भिजवाते हैं और यह भी पता करने की कोशिश करते हैं कि यह चक्र या निशान इस बॉडी के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी तरफ बबली बताती है कि इनकी मौत इंटरनल इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुआ है। ह्यूमन बींग्स की एनर्जी उसके कोर में होती है, जिसे कुंडली कहते हैं। इसी तरह यह एनर्जी इनके स्पाइन से ट्रेवल करके सर से निकल गई, जिससे इनकी डेथ हो गई। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी मनु किसी आदमी के सामने जाता है। मनु कहाँ थे तुम, मुझे लगा कि तुम जेल ब्रेक से बाहर ही नहीं आ पाए। तभी मनु कहता है आपका जेल ब्रेक का भी प्लान 2 टके का ही था, मुझे रोड पर अधमरा छोड़कर सब निकल गए, वह तो शुक्र था कि मुझे कल ही होश आ गया। तभी वह शख्स कहता है मनु जो हुआ सो भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में लारा जेल से भागे हुए मनु के बारे में दिलोर को बताती है कि यह मनु 2019 में अरेस्ट हुआ था, 36 मर्डर किए हैं इन्होंने, ये बचपन से थोड़ा अजीब था, इसके बारे में डॉक्टर कौशिक ने ही बताया था। वहीं दूसरी तरफ वह आदमी मनु से कहता है बस तुम इतना बताओ कि तुम उस शक्ति का इस्तेमाल करना भूले तो नहीं हो। तभी मनु उसे अपनी शक्ति का नमूना दिखाता है और वह उसके एक आदमी को अपने बस में करके वह जैसा कहता है वो वैसा करता है। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त मार्केट में कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं और वह आइसक्रीम की दुकान पर उसकी वाइफ आइसक्रीम खरीद रही होती है। तभी वहाँ मनु आता है और उसे वह अपने बस में कर लेता है और देखते देखते वह लड़की उसके पीछे जाने लगती है। और वहीं रणबीर भी आ रहे होते हैं। तभी वह आदमी रणबीर को बताता है कि वह आदमी आया और न जाने क्या किया कि साक्षी उसके पीछे जाने लगी। तभी रणबीर उसका पीछा करते हैं। तभी रणबीर जैसे ही मनु के पास पहुंचते हैं वैसे ही रणबीर मनु पर हमला कर देते हैं। रणबीर के हमला करने के बाद मनु जाकर किसी धारदार नुकीली लोहे के रॉड पर जाकर गिरता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और देखते ही देखते मनु अपनी शक्तियों की मदद से रणबीर के ऊपर अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक रणबीर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद रणबीर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर रणबीर एडमिट होते हैं। रणबीर के होश आते ही रणबीर लड़कियों की तरफ बिहेव करने लगता है। देखिए सर, रात को मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तभी मैं कहते हैं ये खरोच है। तभी लारा दिल्ली से कहती है कि सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मनु और रणबीर का आमना सामना हो चुका है। उसके बाद दिलेर डॉक्टर कौशिक से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि डॉक्टर कौशिक ही मनु का इलाज कर रहे थे। तभी डॉक्टर कौशिक रणबीर को देखकर कहते हैं इसका तो सारा चक्र ही गड़बड़ है,
यह कैसा सुपर कॉप्स है? तभी रणवीर कहता है, ये चाचा मुझे इतनी गहरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? यानी मयंक कहता है, आपकी जवानी खिलखिल कर बाहर आ रही है सर। तभी दिलेर के सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर कहते हैं, इसके अंदर फीमेल चक्र प्रवेश कर गया है और डॉक्टर कौशिक को वह चक्र भी दिखते हैं जो कि वह फीमेल चक्र होता है। तो जरूर यह सब काम मनु का है, क्योंकि मनु के अंदर एक अलग तरह की शक्ति है जो फीमेल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है और वह लड़कियों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वह खुद लड़की इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसके पास जो वह डिवाइस है उसी की मदद से वह एनर्जी को कंट्रोल रखता है। यानी उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो वह कम उम्र वाली लड़कियों औरतों को उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उन्हें मार देता है और उनकी एनर्जी को मर्दों और आदमियों को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करता है। लेकिन दिलेर और उनकी टीम उसके सामने वैसे ही जा भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई भी उसके सामने जाता तो वह उसे अपने बस में कर लेता। उसके बाद किसी ब्यूटी पार्लर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है कि वहाँ पर मनु पहुँचता है और वो पहुँचते ही वह सब लड़कियों की एनर्जी अपने अंदर लेने लगता है। सबकी एनर्जी अपने अंदर लेने के बाद वह वहाँ के आदमियों को भी अपने बस में कर लेता है और वह उन आदमियों को शहर की सारी लड़कियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कौशिक मनु के डिवाइस का तोड़ निकाल चुके थे जो कि एक घड़ी बनाए थे। अगर इसे पहनकर मनु के सामने कोई भी जाता वह उसे अपने बस में नहीं कर पाता, लेकिन उस घड़ी का असर सिर्फ 30 सेकंड तक होता है। अगर एक बार वह डिस्चार्ज हो गई तो उसे फिर से रिचार्ज होने में 30 सेकंड लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ शहर की काफी लड़कियों को किसी फैशन शो में ले जाया जा रहा होता है जो कि पल पल की खबर लारा मयंक और रणवीर को दे रही होती है। उसकी खबर मयंक दिलेर को भी दे रहे होते हैं। उसके बाद सभी लड़कियों को उस फैशन शो में ले जाया जाता है। तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ फैशन शो शुरू हो जाता है। तब इस शो के बीच मनु आता है। उसके बाद मनु बाकी लोगों को भी सम्मोहित कर लेता है और कहता है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ अक्सर ऐसा ही होता है। मैं आज सबके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, एक ऐसा तोहफा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। उसके बाद वह सभी लड़कियों की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद डॉक्टर कोशिश के दिए हुए घड़ी को ऑन करके रणवीर और मयंक उसके सामने जाते हैं। कहते हैं, ये खेल अपना बंद कर वरना गोली मार दूंगा। बस तू यही सोच रहा होगा ना कि तेरे शक्तियों का असर हम पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे गुरु डॉक्टर कौशिक ने हमें यह डिवाइस दिया है मुंबई को बचाने के लिए। तभी वह कहता है, तुम लोग बकवास कर रहे हो, बल्कि डॉक्टर कौशिक ने तो मुझे यह शक्तियाँ कंट्रोल करने में मेरी मदद की थी, उन्होंने ही मुझे यह डिवाइस दिया था, फिर ये तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तभी उनके घड़ी का 30 सेकंड खत्म हो जाता है और मयंक और रणवीर वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। उसके बाद वहाँ दिलेर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मयंक और रणवीर का घड़ी फिर से चार्ज हो जाता है। तभी वे मनु को पकड़ने के लिए आते हैं कि वहाँ पर लारा आती है, क्योंकि लारा उसके बस में हो चुकी होती है क्योंकि वो अपने डिवाइस को ऑन नहीं कर पाई थी और वो मयंक और रणवीर पर हमला करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिलेर उन लोगों की धुलाई कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मयंक और रणवीर किसी तरह से लारा से बचकर आ रहे होते हैं कि मयंक को बहुत सारी लड़कियां पकड़ लेती हैं, लेकिन रणवीर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलेर का 30 सेकंड खत्म हो जाता है कि दिलेर भी वहां से भागते हैं। तभी वहां पर रणवीर आते हैं और रणवीर उन लोगों को धोते हैं। अचानक रणवीर का 30 सेकंड खत्म हो जाता है। रणवीर के वहाँ से जाते ही वहाँ पर दिलेर आते हैं। तभी मनु कहता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना आदमी ना औरत ना अस्त्र ना शस्त्र। तभी दिलेर उससे मुकाबला करने के लिए रणवीर को बुलाते हैं, क्योंकि रणवीर इस समय ना ही आदमी होता है ना ही औरत, वह आदमी और औरत का कम्बाइन होता है। तभी मनु रणवीर को अपने बस में करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जादू उस पर नहीं चलता क्योंकि रणवीर ना ही तो आदमी होते हैं ना ही औरत, और रणवीर उन लोगों की धुलाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मयंक दिलेर को बताते हैं कि सर, मैं डॉक्टर कौशिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मनु कह रहा था कि डॉक्टर कौशिक ने ही उसे शक्तियों को कंट्रोल करने में उसकी मदद की है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर और मनु के बीच फाइट हो रही होती है। तभी वहां दिलेर आते हैं और रणवीर को उसका डिवाइस निकालने के लिए कहते हैं। इस तरह रणवीर उसके अंदर से उसका डिवाइस निकाल देता है
डिवाइस निकालने के बाद उसकी एनर्जी वापस सबके अंदर चली जाती है और मनु के अंदर से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और रणबीर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं।